अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट A1 होंगे, और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद में हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको मेरी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाऊंगी। आप लोगों को याद होगा जब मैं कूलर पंखा लेने गई थी, तब मैंने शॉपिंग भी की थी, लेकिन मैंने वो दिखाई नहीं थी, मैं भूल गई थी। तो कल इंस्टा पे मेरी एक बहन ने मुझे DM किया कि आप का वो व्लॉग देखा था, आपने शॉपिंग की थी लेकिन दिखाई नहीं, क्यों नहीं दिखाई, हमें दिखाएं। तो इतने दिन बाद आज मुझे ख्याल आया कि मैं वो शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी ईद की शॉपिंग है तो थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर लाजमन करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वो बहन भाई जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो ये है जी मेरी शॉपिंग जो कि मैंने यहाँ पे रख दी थी, और अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो आपकी हम सब की शॉपिंग आपकी है या हम सब की है, अभी मैं दिखा रही हूँ ना, पता चल जाएगा। ठीक है, ये है जी सेबी के कपड़े, सेबी की पैंट शर्ट है, ये पैंट है जी सेबी की। ठीक हो गया, कलर कैसा है मुझे लास्ट बताइएगा। और ये है जी सेबी की शर्ट ब्लू कलर में, ब्लू कलर सेबी पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सेबी का खुद का कलर जो है ना वो फेयर है, तो डार्क कलर जब मैं पहनाती हूँ ना तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और उसके अलावा ये है जी मानो का फ्रॉक। ऐसे मानो के कपड़ों का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लूँगी, मतलब लेने तो थे ईद के उस दिन, मैंने नहीं सोचा था कि मैं लूँगी, बस फिर मुझे ये पसंद आया। और मुझे वैसे पिंक कलर में ऐसा ड्रेस पसंद आया था, तो मानो के अब्बू ने कहा कि ग्रे कलर लो, मानो ने कभी भी ग्रे कलर के ना कपड़े नहीं पहने। ठीक है, अच्छा जब मैंने कूलर पंखा लिया था ना, उस वाली वीडियो का भी मैं लिंक जो है ना वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो लाजमन चेक कीजिएगा। ठीक है, ये पूरे घर की जो है ना शॉपिंग नहीं है, बस थोड़ी सी ही है जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है जी मेरा फ्रॉक, मैंने अभी एक फ्रॉक ही लिया था ये। ठीक है जी, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। इसके साथ का मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया, और ना ही मैंने कोई पजामा लिया है, ना कोई, मतलब मैंने सोचा है कि मेरी ब्लू कलर की ढेर सारी जीन्स पड़ी हैं, किसी भी जीन्स पे ना ये वाला जो है ना फ्रॉक पहनूंगी, और दुपट्टे तो काफ़ी ज़्यादा मैच हो भी जाते हैं। ये तो वो शॉपिंग है जो मैंने अपने पैसों से की थी, और हस्बैंड साहब से मैं कह रही हूँ कि ले जाए मुझे ईद की शॉपिंग कराने, अगर फुर्सत हो गई तो शॉपिंग करेंगे, नहीं हुई थी अल्लाह वालिक है। और उसके अलावा एक शायरी का सूट, और एक सेबी का सूट, और एक अब्बा जी का, वो जो है ना टेलर के पास गए हुए सिलाई होने के लिए, तो जब आ जाएंगे ना वो मैं आप लोगों को लाजमन दिखाऊंगी। और उसके अलावा अम्मा जी ने ये कहा है कि मेरे ना अनस्टिच सूट 3 पड़े हुए हैं, मुझे इस ईद पे सूट नहीं चाहिए, जो मतलब मेरा सूट आप लोगों ने लेना है ना वो पैसे मुझे दे दें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो अम्मी जी को जो है ना मैंने पैसे दे दिए हैं, अम्मी अब उन पैसों का जो करे वो तो अम्मी की मर्ज़ी है। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ही मेकअप ख़रीदा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई महंगाई है ना, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने का ना आजकल हाल नहीं है। सबसे पहले तो ये है जी परफ्यूम, ओहो खुला हुआ है, हो ये है जी परफ्यूम फॉग जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है, ये मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी। मैं भी लगा सकता हूँ? हाँ तुम भी लगा लेना। ठीक है, और उसके अलावा एक मैंने ख़रीदा है ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि 5-in-1 है, और ये लैक्मी वालों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल न्यू का न्यू है, ये देखें। इस कॉम्पैक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि स्पंज भी साथ में दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना हमें 5 कलर दिए गए हैं, ये एक हो गया, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब हर स्किन टोन वाले के लिए जो है ना ये कॉम्पैक्ट दिया गया है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसे बाय कर दिया। ठीक है जी, और वैसे पार्लर में जो कॉम्पैक्ट पहले 2 पड़े हुए थे ना, वो दोनों के दोनों ही फिनिश हो चुके हैं, तो ये मुझे जो है ना लाजमी चाहिए था। ठीक है जी, और उसके अलावा मैंने एक टीवी पेंट स्टिक ख़रीदी है। टीवी पेंट स्टिक जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, आप जानते हैं कि सैलून में कितनी ज़्यादा, और लो नंबर मैंने ख़रीदा ना वो मैंने लिया है जी
FS45 जो कि मेरी स्किन टोन के साथ भी मैच होता है। और आपको पता है कि मैं विलेज में रहती हूँ, तो विलेज में ज़्यादातर औरतों का कलर जो है ना ऐसे ही होता है, मतलब गंदमी कलर होता है, इतने ज़्यादा फेयर नहीं होते गाँव में औरतों के। ठीक है जी, उसके अलावा मैं शॉपिंग करने तो जाऊँगी अपनी, ठीक है, ईद की और भी शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने पैसों से ख़रीदी थी। और हस्बैंड साहब को मैं कह रही हूँ कि मुझे ले चलें शॉपिंग पे, वो मतलब आजकल उनका बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमने ट्रैक्टर लिया था, तो वो लोगों के जरा हल मारने जाते हैं लोगों की ज़मीनों में, मतलब किसान है तो किसानों वाला काम ही करेंगे ना, तो जिस दिन उनके पास टाइम होगा इंशाल्लाह वो ले जाएंगे। मतलब ईद से पहले तो लाजमन जाऊँगी और वो शॉपिंग भी मैं आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने अपने पैसों से की है, मुझे लाजमन बताइएगा आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। और उसके अलावा बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि आप अब इस चैनल पे व्लॉग क्यों अपलोड करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो व्लॉग चैनल है ना, अब मैं उस पर वर्क नहीं करूँगी, मैं बस इसी एक चैनल पर वर्क करूँगी, व्लॉग भी इसी पर ही डालूँगी और मेकअप की वीडियो भी मैं इसी पर डालूँगी। और ज़्यादातर अगर आप मेरे मेकअप के शौकीन हैं ना, तो उसके लिए आप लोग मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें, मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी आप लोगों को मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टा पे मैं डेली बेसिस पे मेकअप की बहुत ही मज़े की वीडियो जो है ना वो अपलोड करती रहती हूँ। तो ये थी जी मेरी छोटी सी आज की वीडियो, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी लास्ट बताइएगा। और अब मैं चाहती हूँ आप सब लोगों से इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी इस बहन को जो है ना अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।